Hello? मूवी के स्टार्ट में हम एक लड़की जेन फोस्टर को देखते हैं। उसके साथ उसके प्रोफेसर और उसकी असिस्टेंट भी होती है। वो लोग खुले आसमान के नीचे कोई रिसर्च कर रहे होते हैं, तभी उन्हें आसमान से कोई लाइट निकलती हुई दिखाई देती है और तभी वहाँ पर एक बहुत बड़ा टोर्नेडो आता है और उसमें से एक आदमी बाहर आकर गिरता है जिसने कपड़े तक नहीं पहने होते और प्रोफेसर उनको कुछ कपड़े पहनाता है। अब यहाँ से स्टोरी आती है पास्ट में और हमें मिड कार्ड का सीन दिखाया जाता है। ऐसा किंगडम और ऐसी दुनिया जो की जमीन से ऊपर है उसे एस्कार्ड कहते हैं और मिड कार्ड उसे नीचे वाली दुनिया यानी जमीन को कहते हैं। वहाँ पर कुछ फ्रॉस्ट जायंट का अटैक होता है क्योंकि वो मिड कार्ड पर कब्जा करना चाहते थे, लेकिन तभी वहाँ पर एस कार्ड से किंग आता है जिसका नाम किंग ओडिन होता है और उन सब जायंट से लड़कर उन्हें हरा देता है। इन जायंट्स के लीडर का नाम लोफी होता है और किंग ओडिन लोफी को पूरी तरह से हरा देता है और उसके पास एक खतरनाक वेपन भी होता है जिसे किंग ओडिन अपने पास रख लेता है। इनफेक्ट ये वेपन किसी भी लीडर की ताकत हुआ करता है और हर किंगडम के पास उसका अलग वेपन होता है। इस वेपन की खासियत ये थी कि ये किसी भी चीज को फ्रीज कर सकता था। अब किंग ओडिन उस वेपन को अपने साथ ऊपर एस्कॉर्ट में ले आते हैं। जैसे ही ओडिन अब कैसल में पहुंचते हैं तो हम उनके दो बेटों को देखते हैं, एक का नाम थोर होता है और एक का नाम लोकी। किंग ओडिन अपने बच्चों से कहते हैं कि आओ मैं तुम्हें एक चैम्बर में लेकर जाता हूँ जहाँ पर मैंने वेपन्स की कलेक्शन कर रखी है। जब वो लोग वहाँ पर जाते हैं तो हम देखते हैं वहाँ पर म्योनीर भी होता है यानी मूवी के आगे जाके जो थोर का हैमर बनेगा। साथ ही साथ वहाँ पर कॉस्मिक क्यूब भी होता है। अब कई साल गुजर जाते हैं, थोर और लोकी बड़े हो चुके होते हैं और आज वो दिन होता है जब किंग ओडिन ने थोर को किंग बनाना होता है। वहाँ पर सब लोग आए होते हैं, लेकिन इससे पहले कि किंग ओडिन ये अनाउंस करते कि थोर अब यहाँ का किंग होगा, इससे पहले ही बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। वहाँ पर फ्रॉस्ट जायंट्स अटैक कर देते हैं क्योंकि वो अपने वेपन को वापस लेने आए होते हैं। किंग अपने खास सिक्योरिटी गार्ड को ऑर्डर देता है इनको खत्म कर दो, उसका नाम डिस्ट्रॉयर होता है और डिस्ट्रॉयर जल्द ही उनको खत्म कर देता है। अब किंग, थोर और लोकी उस चैम्बर की तरफ जाते हैं ये देखने के लिए कि कहीं उनका वेपन चोरी तो नहीं हो गया, लेकिन वो वेपन लकीली वहीं पर होता है। अब थोर अपने फादर से कहता है कि हमें उनसे बदला लेना होगा, तो उसके फादर उसे मना करते हैं कि वेपन को तो कुछ भी नहीं हुआ तो तुम्हारा वहाँ पे जाना फसूल है। तो थोर कहता है मैं वहाँ पर जाऊँगा ताकि वो लोग यहाँ पर वापस दोबारा ना सके। फिर थोर अपने साथियों के पास जाता है और उनसे कहता है कि मेरे साथ आओ, हम लोफी के किंगडम पर अटैक करेंगे। अब उसके साथी मान जाते हैं और वो सब उस तरफ निकल पड़ते हैं। उस रास्ते पर पहुंचते ही वो देखते हैं कि वहाँ पर एक सिक्योरिटी गार्ड है जो कि किंग ओडिन का खास आदमी होता है। वो बाइफ्रॉस्ट ब्रिज को गार्ड किया करता था। ये वही रास्ता होता है जहाँ से इन लोगों ने लोफी के किंगडम तक पहुँचना था। अब इस सिक्योरिटी गार्ड के पास एक स्वर्ड होती है जिससे ये रास्ता खुलना था और इसी स्वर्ड का यूज होते हुए उनके लिए उस किंगडम में जाना पॉसिबल हो जाता है। जब थोर वहाँ पर जाता है तो देखता है कि अंदर कोई भी नहीं है, तो वो ऊंची सी चिल्लाता है, कहाँ हो तुम सब, क्या मेरे आने से डर चुके हो, बाहर आओ और मेरा सामना करो। तभी उनके सामने लोफी आता है और वो कहता है कोई नहीं डरा, बल्कि अब तुम लोग डरने वाले हो, तुम लोगों ने यहाँ आके गलती की है। तभी थोर का भाई लोकी सामने आता है और लोफी से कहता है कि हमें माफ कर दे, हम यहाँ से चले जाते हैं। तो लोफी कहता है अब नहीं। इसी के साथ फ्रॉस्ट जायंट्स उन पर अटैक करने लगते हैं, लेकिन थोर अपनी थंडर पावर का यूज करते हुए उन सबको मारने लगता है और यहाँ पे काफी बड़ी फाइट छिड़ जाती है। तभी एक फ्रॉस्ट जायंट लोकी का हाथ पकड़ लेता है तो उसका हाथ भी उन जैसा हो जाता है जैसे लोकी उन्हीं में से हो। सब लोग जीतने ही वाले होते हैं कि तभी लोफी के किंगडम से एक बहुत बड़ा जायंट मॉन्स्टर निकलता है जो कि इन पर अटैक करने वाला होता है, लेकिन थोर उसके मुंह के अंदर जाके उसकी बॉडी को चीरता हुआ बाहर आता है जिससे वो मॉन्स्टर मारा जाता है। लेकिन इस चीज का गुस्सा लोफी के किंगडम वालों को बहुत ज्यादा आता है। वो थोर को और उसकी टीम को मारने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर किंग ओडिन आ जाता है और थोर बहुत करेज से कहता है कि लोफी अब तुम क्या करोगे, मेरे फादर भी यहाँ आ चुके हैं। लेकिन ये क्या, जो थोर को लग रहा था ऐसा नहीं था, किंग ओडिन वहाँ पर लोफी से माफी मांगने आए थे ताकि ज्यादा इश्यू न बन जाए और वो सेफली अपने बेटों को और टीम को यहाँ से ले जाए। वो लोफी से कहते हैं कि हमसे गलती हो गई, हमें यहाँ से जाने दो, लेकिन लोफी कहता है गलती, गलती की सजा मौत है और अगर एक बार तुम लोग यहाँ पर अटैक की नियत से आ गए तो वापस नहीं जा सकोगे। लेकिन जब किंग ओडिन ये देखता है कि इससे काम नहीं चल रहा तो वो अपना मैजिक यूज करते हैं और अपनी टीम को वापिस एस्कॉर्ट ले आते हैं। लेकिन एस्कॉर्ट वापिस आते ही थोर का बिहेवियर काफी बुरा हो जाता है और वो अपने फादर किंग ओडिन से कहता है आप अगर मदद नहीं कर सकते थे तो वहाँ पर क्यों आए, मैं अच्छा खासा उनको हराने वाला था, आपने उनसे
माफी क्यों मांगी, वो इस काबिल नहीं है। तो किंग ऑडिन थोर से कहते हैं कि तुम बदतमीजी से बात कर रहे हो। तो थोर कहता है और क्या करूं, आप मुझे लड़ने देते। किंग ऑडिन कहते हैं अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम क्या करोगे। वो उससे उसका ड्रेस और पावर छीन लेते हैं, इवन उसका हैमर भी। और अब थोर को फेंक दिया जाता है मिड गार्ड यानी जमीन की तरफ, स्कार्ड से बहुत नीचे, और साथ ही साथ उसके हैमर को भी जमीन में फेंक दिया जाता है जो कि किसी और तरफ गिरता है। अब किंग ऑडिन कहते हैं कि हैमर मैंने जहाँ पर फेंका ये वहीं पर गिरा रहेगा और इसको वही उठा सकेगा जो इसको डिजर्व करता होगा, इसे उठाने के काबिल होगा। और थोर तुम तब तक इसको हासिल नहीं कर सकोगे जब तक इसके लिए डिजर्विंग न बन जाओ। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि थोर एक हॉस्पिटल में है। जब उसकी आंख खुलती है तो देखता है कि उसके आसपास डॉक्टर्स, जेन फॉस्टर, प्रोफेसर और वही असिस्टेंट है। तो वो काफी हड़बड़ा जाता है और कहता है मैं कहाँ पर हूँ। उन सबको पीछे करता हुआ और मारता हुआ हॉस्पिटल से बाहर आ जाता है। नेक्स्ट सीन हमें दिखाया जाता है उसी म्योनियर का जो कि थोर का हैमर होता है। वो किसी सिटी में गिरा था और जहाँ पर वो गिरा था वो जगह कुछ तबाह सी हो गई थी। उसके इर्द गिर्द बाउंड्रीज बना ली थी शील्ड ने। अब उसका एक एजेंट वहाँ पर आता है। वो इस हैमर को लेके काफी इंटरेस्टेड लग रहा था और वो इस पे रिसर्च भी करना चाहता था। अब उसे बताया जाता है कि एक लड़की है जेन फॉस्टर जो कि रिसर्च करती है और क्या पता उसे इस हैमर के बारे में भी पता हो। तो वो एजेंट सीधा जेन फॉस्टर के घर जाता है। जेन फॉस्टर के मना करने के बावजूद भी वो उसकी बुक को वहाँ से ले आता है जिसके अंदर उसने सारी रिसर्च लिख रखी थी। अब उधर थोर को भी पता चल चुका होता है कि उसका हैमर कहाँ पर है क्योंकि ये हैमर के गिरने वाली बात हर तरफ फैल चुकी थी। थोर हॉस्पिटल से बाहर आते ही लोगों से पूछने लगता है कि मुझे घोड़ा कहाँ से मिलेगा। तो लोग हंसने लगते हैं कि घोड़ा इस जमाने में, यहाँ कोई घोड़ा नहीं है। तभी आती है वहाँ पर जेन और थोर से कहती है आओ मेरी गाड़ी में बैठ सकते हो तुम, मैं तुम्हें उस जगह तक ले जा सकती हूँ क्योंकि मुझे खुद भी वहाँ जाना है, लेकिन प्लीज अपनी जुबान बंद रखना। ये लोग वहाँ पर पहुँच जाते हैं तो देखते हैं कि थोर के हैमर को काफी सिक्योरिटी के अंदर रखा गया है और उसे कोई हाथ भी नहीं लगा सकता। थोर अंदर जाता है सब सिक्योरिटी गार्ड्स और आदमियों को मारता हुआ क्योंकि इन लोगों ने उसके अपने हथौड़े यानी हैमर पर कब्जा कर रखा था। आखिरकार थोर उस जगह पर पहुँच ही जाता है जहाँ पर हैमर होता है। उसे खुशी से उठाने लगता है लेकिन ये क्या, उससे हैमर उठाया ही नहीं जाता। थोर को बहुत दुख होता है और उसे गुस्सा भी आ रहा होता है। इतनी देर में शील्ड के एजेंट्स आ जाते हैं और वो थोर को जेल में बंद कर देते हैं। थोर देखता है कि वहाँ पर लोकी भी है। लोकी उसके पास आता है और उससे कहता है थोर तुमने बिल्कुल अच्छा नहीं किया, तुम्हारी वजह से फादर की डेथ हो चुकी है, किंग ऑडिन मर चुके हैं, उन्होंने तुम्हारा गम ले लिया था। तो थोर को काफी दुख होता है और उसे रिग्रेट भी हो रहा होता है कि उसने अपने फादर से बदतमीजी क्यों की और वो इसी सोच में गुम हो जाता है। अब रात को जेन के साथ जो प्रोफेसर होता है वो यहाँ पर आता है और जेल वालों को थोर का नकली आईडी कार्ड दिखाते हैं। कहते हैं कि इससे गलती हो गई, इसे नहीं पता था कि ये रिस्ट्रिक्टेड एरिया है, अब इसे मेरे साथ भेजते हैं, दोबारा ऐसा नहीं होगा। अब वहाँ से निकलते ही वो दोनों ड्रिंक करने लगते हैं लेकिन प्रोफेसर साहिब अपने होश खो बैठते हैं। तो थोर उन्हें इन फॉस्टर के घर ले आता है और अब वो दोनों बैठ के बातें करने लगते हैं जबकि प्रोफेसर रेस्ट कर रहे होते हैं। अब जेन थोर से पूछती है तो चलो अपने बारे में बताओ, तुम कहाँ से आए हो। तो थोर कहता है कि मैं एक किंग का बेटा हूँ, हम लोग किंगडम पर राज करते हैं। तो जेन कहती है तुम भी कमाल करते हो, कैसी बातें कर रहे हो। तो थोर कहता है लाओ मैं तुम्हें ड्रॉ करके दिखाता हूँ और थोर पूरी एक डायग्राम बनाता है जिसमें वो नौ के नौ किंगडम्स होते हैं। वो जेन को बताता है कि जिस अर्थ पर तुम रह रही हो इसे मिडगार्ड कहते हैं, जहाँ मैं रहता हूँ उसे एस्गार्ड कहते हैं। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है एस्गार्ड की तरफ और हमें दिखाया जाता है कि लोकी ने झूठ बोला था कि किंग ऑडिन की डेथ हो चुकी है। वो तो अभी जिंदा होते हैं लेकिन अभी भी होशी की हालत में होते हैं और लोकी उनके पास ही बैठा होता है। वहाँ पर लोकी के जहन में ये सोच चल रही होती है कि वो किंग ऑडिन को ही मरवा देगा क्योंकि वो चाहता है कि उनका बेटा और किंग बने और लोकी क्योंकि उनका असली बेटा नहीं होता इसीलिए वो लोकी को किंग नहीं बनाना चाहते। लोकी प्लान कर रहा होता है कि वो किंग को मरवा देगा और खुद यहाँ पर रूल करेगा क्योंकि थोर तो पहले ही जमीन पर है। वो वहाँ से उस चैम्बर में जाता है जहाँ पर वो फ्रीजिंग गैजेट होता है यानी लोफी का वेपन और उसको लेकर अब वो पहुँच जाता है उसी पाथवे पर जहाँ पर वो सिक्योरिटी गार्ड उस रास्ते को गार्ड कर रहा होता है। वो लोकी को मना करता है कि सॉरी मैं आपके लिए दरवाजा नहीं खोल सकता। तो लोकी कहता है अच्छा वो ये लो। इसी के साथ ही वो वेपन का यूज करते हुए इस बेचारे सिक्योरिटी गार्ड को जमा देता है। उसकी स्वर्ड लेकर पहुंच जाता है उसी किंगडम में यानी लोफी के इलाके। वो वहां जाके लोफी से कहता है कि तुम्हें मेरे लिए काम करना होगा, तुम किंग ऑडिन को मार डालोगे, जैसे ही तुम ये करोगे तो मैं तुम्हें तुम्हारा वेपन लौटा दूंगा, इस तरह से तुम्हारे पास ही तुम्हारी पावर्स आ जाएंगी और मैं भी किंग बन जाऊंगा। तो लोफी कहता है डील तो अच्छी है, मैं इसे एक्सेप्ट करता हूँ।
लोकी वहाँ से वापिस आ जाता है तो उसे थोर के दोस्त रोक लेते हैं और कहते हैं कि कितनी शैतानी सोच है तुम्हारी, तुम जो भी कर रहे हो हमें वो पता है। तो लोकी उनको खामोश करवा देता है ये कह के कि जल्द ही मैं तुम लोगों का किंग बनने वाला हूँ, इसलिए खामोश ही रहो तो बेहतर है। लेकिन थोर के साथी भी उसकी तरह ब्रेव होते हैं, वो जाते हैं मिडगार्ड थोर को सब कुछ बताने के लिए। वो थोर को बताते हैं कि लोकी असल में चाह क्या रहा है, उसने ये सारा सीन क्रिएट किया है ताकि वो किंग बन सके। तो थोर को तो ये सुन के बहुत गुस्सा आ जाता है। इस बात की खबर लोकी को भी हो जाती तो वो बाहर जाके खास सिक्योरिटी गार्ड के पास जाता है जो कि मेटल से बना होता है, डिस्ट्रॉयर। अब लोकी उसे कहता है कि जमीन पर जाओ और थोर और उसके साथियों को मार डालो। तो डिस्ट्रॉयर लोकी की बात मानते हुए मिडगार्ड पर जाता है। वो थोर के साथियों के सामने जाके उसको मारने ही वाला होता है कि तभी थोर सामने आ जाता है और वो कहता है डिस्ट्रॉयर रुक जाओ और मुझसे मुकाबला करो। डिस्ट्रॉयर को क्या फर्क पड़ना था, थोर को हिट करता है और थोर दूर जाके गिरता है क्योंकि ना उसके पास उसका ड्रेस था ना ही उसका हैमर, तो उसके पास पावर्स कहाँ से आएंगी। वो काफी जख्मी हो जाता है। लेकिन यहाँ भी होता है एक मिरेकल। याद है किंग ऑडिन ने क्या कहा था कि जब तक थोर इस काबिल नहीं हो जाता कि वो हैमर को डिजर्व कर सके तब तक हैमर उसके पास नहीं आ सकता। तो सुने थोर ने ऐसा काम कर दिया था कि वो हैमर को डिजर्व करता था। उसने अपने दोस्तों के लिए कुर्बानी दी थी और खुद चोट खाई थी। अब उसके पास उसका ड्रेस और उसका हैमर वापिस आ चुका था और अब बहुत पावरफुल फील कर रहा था। थोर वहाँ पर डिस्ट्रॉयर को अपने हैमर से डिस्ट्रॉय कर देता है। थोर अपनी टीम को लेता हुआ वापिस ऊपर जाता। अब वहाँ का सिक्योरिटी गार्ड जिसे लोकी ने जमा दिया होता है वो अपनी पावर का यूज करते हुए बर्फ को तोड़ कर बाहर आ जाता है और वो पाथवे थोर के लिए खोल देता है। लेकिन एस्कॉर्ट खुलने की वजह से लोफी के किंगडम के लोग भी उधर आने लगते हैं। अब लोफी वहाँ पर आकर किंग ऑडिन पर अटैक करने वाला होता है जैसा उसे करने के लिए लोकी ने कहा था। लेकिन लोकी यहाँ पर चाल चलता है और वो खुद ही लोफी को मार डालता है अपने फादर की आंखों के सामने ताकि वो अपने फादर यानी किंग ऑडिन को इम्प्रेस कर सके कि इसने अपने फादर की जान बचाई है। यहाँ से लोकी सीधा भरता है बायफ्रॉस्ट ब्रिज की तरफ और उसे एक्टिवेट करके उसमें से कोई खतरनाक बीम निकालने वाला होता है ताकि ये सारी जगह तबाह हो जाए और लोकी खुद अपने किंगडम पर राज कर सके और उसे रोकने वाला कोई भी यहाँ तक ना आ सके। लेकिन तभी वहाँ पर आ जाता है थोर और उसे रोकने वाला आज तक कोई पैदा नहीं हुआ था। थोर लोकी से कहता है तो तुम पास नहीं आओगे, तो लोकी कहता है नहीं इसमें से मैं बीम्स निकाल नहीं वाला हूँ। तो थोर कहता है अच्छा ठीक है। थोर अपना हैमर उस ब्रिज के ऊपर दे मारता है जिससे वो ब्रिज डिस्ट्रॉय हो जाता है। लोकी ये देख के हैरान रह जाता है लेकिन ब्रिज टूटने की वजह से वो दोनों ब्रिज से नीचे गिरने वाले होते हैं। तभी वहाँ पर किंग ऑडिन आते हैं जो कि थोर का हाथ थाम लेते हैं ताकि वो नीचे न गिरे। लोकी ने थोर का हाथ पकड़ा होता है लेकिन जब उसे रियलाइज होता है कि वो इस काबिल नहीं था कि कभी भी अपने फादर को इम्प्रेस कर सके तो वो अपना हाथ थोर से खुद ही छुड़वा लेता है। अब हर तरफ ये बात फैल जाती है कि लोकी ब्रिज से गिरकर मारा गया। अब किंग ऑडिन आते हैं थोर के पास और उससे कहते हैं कि जब तक मैं जिंदा हूँ मेरी यही ख्वाहिश है कि मेरा बेटा मेरी आंखों के सामने किंग बने। तो थोर अपने फादर से कहता है नहीं मुझे अभी बड़े बड़े काम करने हैं और आप जैसा बनना है, जब मैं वाकई इस काबिल हो गया तब आप मुझे किंग बना दीजिएगा। अब इस पार्ट के एंड में हम देखते हैं कि लोकी मरा नहीं होता बल्कि वो पार्ट टू में जिंदा होकर जरूर आएगा। इसी के साथ ये पार्ट वन यहीं पर खत्म होता है और अब मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ पार्ट टू। तो पार्ट टू के शुरू होते ही फर्स्ट के सीन को दिखाते हुए जहाँ पर हमें किंग ऑडिन के फादर दिखाए जाते हैं, वो उनका दौर चल रहा था और उस वक्त उनका दुश्मन था मेलिकर। उसके पास भी एक वेपन हुआ था जो उसकी ताकत था। मेलिकर चाहता था कि वो पूरे 9 किंगडम्स पर अटैक करके उन पर कब्जा कर ले लेकिन किंग ऑडिन के फादर ऐसा होने नहीं दे सकते थे तो वो मेलिकर और उसके साथियों को हरा के वहाँ से दूर भेज देते हैं और वो मेलिकर से उसका वेपन लेके जमीन की गहराइयों में दफना देते हैं। अब जब मेलिकर को रियलाइज होता है कि उसे उसका वेपन ले लिया गया है और उसके मुकाबले में कोई आम इंसान नहीं खड़ा बल्कि द ग्रेट किंग है, तो अपने खास साथी को बुलाता है और कहता है कि अभी हमारे लिए गहरी नींद लेना बेहतर है और जब हालात बेहतर हो जाएंगे तो हम खुद ही लौट आएंगे और अपना वेपन भी वापस हासिल कर लेंगे। मेलिकेट और उसका अजीब और गरीब साथी गहरी नींद में सो जाते हैं। कहानी आती है प्रेजेंट की तरफ। मेलिकेट अभी तक सोया होता है पर ये तो एक अलग कहानी है। लेकिन अगर हम बात करें एस्कॉर्ट की तो वहाँ पर सबको पता चल चुका होता है कि लोकी ने अपने फादर को धोखा देने की कोशिश की थी कि नजरों में अच्छा बनने के लिए। अब वो पकड़ा जा चुका होता है क्योंकि वो मरा नहीं था जिंदा था और थोर उसे पकड़ कर किंग ऑडिन के पास ला रहा होता है। इसके बाद अगले सीन में हम थोर को काफी
काफी शानदार लड़ाई करता हुआ देखते हैं और ये लड़ाइयां वो अपने किंगडम को बचाने के लिए किया करता था और उन लोगों के लिए जो खुद अपने लिए कुछ कर नहीं पाते थे और इतने ताकतवर नहीं थे। वो सब थोर से मदद मांगा करते थे और ये थोर की अच्छाई थी कि वो उनकी मदद कर भी दिया करता था। फिर थोर जाता है अपने फादर के पास और उनसे बातें करने लगता है। यहाँ हमें पता चलता है कि बायफ्रॉस्ट ब्रिज दोबारा से रिपेयर हो चुका है और अब वो बिल्कुल ठीक से काम भी करने लगा है। अब किंग ऑडिन थोर को बताते हैं कि बेटा जल्द ही वो वक्त आने वाला है जब नौ के नौ किंगडम्स एक अलाइनमेंट में आ जाएंगे और जैसे वो इकट्ठे होंगे एक पोर्टल खुल जाएगा। और मेलिकेथ ने कहा था जब ऐसा टाइम आएगा तो वो भी लौट आएगा, तो तुम्हें होशियार रहना होगा। उधर जमीन पर हम जेन फॉस्टर और उसके असिस्टेंट को देखते हैं जो कि इसी टॉपिक पर बात कर रहे होते हैं कि क्या ऐसे पोर्टल्स वाकई होते हैं। तो उनको पता चलता है कि यहाँ पर एक अबैंडन बिल्डिंग है। उन्हें सस्पेंस होने लगता है कि यहाँ पे कोई क्यों नहीं जाता, चलो हम चलते हैं। लेकिन वहाँ पर जाना इनकी गलती होती है क्योंकि वहाँ पर कुछ ऐसे पोर्टल्स थे कि उसमें कोई भी ऑब्जेक्ट डाला जाए चाहे वो इंसान हो वो गायब हो जाता था, दुनिया के किसी दूसरे कोने में गिर जाता था। और जब जेन ऐसे पोर्टल को देख रही होती है तो वो भी पोर्टल के अंदर गिर जाती है और पता है वो कहाँ पहुँचती है, जमीन की उसी गहराई में जहाँ पर किंग ऑडिन के फादर ने मेलिकेथ का वेपन छुपा रखा था। जैसे ही वो उस जगह पर हिट करती है उस वेपन की सारी ताकतें जेन फॉस्टर के अंदर आ जाती है और इस बात का पता उसी सिक्योरिटी गार्ड को भी चल जाता है जो कि बायफ्रॉस्ट ब्रिज की हिफाजत किया करता था। वो थोर को जाकर बताता है कि आपने मुझे कहा था कि मैं जेन फॉस्टर पर नजर रखूं, लेकिन वो मुझे दुनिया में कहीं भी नजर नहीं आ रही है, कहीं उसे कुछ हो तो नहीं गया। तो थोर उसे कहता है मुझे फौरन से जमीन यानी मिडगार्ड पर भेजो, मैं जाकर देखता हूँ। अब थोर आ चुका था मिडगार्ड पर लेकिन जेन तब तक वहाँ पर पहुँच चुकी होती है यानी जमीन पर वापिस आ चुकी होती है। जब थोर को देखती है तो उसे स्लैप करती है, तुम इस हुलिये में यहाँ पर आ गई हो, कोई तुम्हें देख लेगा तो क्या कहेगा। लेकिन काम उल्टा ही पड़ जाता है, पुलिस वहाँ पर आती है और जेन को ही पकड़ के कहती है लेडी आपने इसे स्लैप क्यों किया है। लेकिन पुलिस का जेन को हाथ लगाना पड़ता है महंगा क्योंकि जेन में से काफी इलेक्ट्रिकल वेव्स निकलती हैं, इससे पुलिस ऑफिसर दूर जाकर गिरता है। ये देख के थोर को पता चल चुका था कि उसकी दोस्त के अंदर ये एबिलिटीज आ चुकी है मेलिकेथ के उसी वेपन की पावर्स, तो वो उसे अपने साथ एस्कॉर्ट ले आता है। किंग ऑडिन भी जब उसे देखते हैं तो उन्हें पता चल जाता है कि जेन के अंदर ये पावर्स हैं जो कि अच्छी नहीं है। वो बताते हैं कि मेलिकेथ अब जरूर लौटेगा, उसका वेपन अब जेन के साथ कनेक्टेड हो चुका है तो जेन की जान को भी खतरा है, इसका ख्याल रखना। और ऐसा ही होता है, मेलिकेथ अपनी नींद से जाग चुका होता है और अपने खास साथी से कहता है कि जाकर एस्कॉर्ट पर हमला कर दो ताकि वो वेपन को मेलिकेथ के पास वापस लेकर आ सके, उसके बाद मेलिकेथ अपने असली रूप के साथ यहाँ आ सके। अब मेलिकेथ को पता चलता है कि उसका वेपन जेन फॉस्टर के अंदर है तो वो खुद भी वहाँ पर आ जाता है और उसकी जान लेकर अपना वेपन हासिल करने ही वाला होता है कि तभी वहाँ पर थोर की मदर आ जाती है जो कि जेन की जान बचा लेती है। लेकिन इस चक्कर में उनकी अपनी जान चली जाती है, उन्होंने जेन के लिए कुर्बानी दे दी। तभी वहाँ पर एस्कॉर्ट आ जाते हैं जिनसे डर कर मेलिकेथ और उसका साथी भाग जाते हैं क्योंकि मेलिकेथ अभी इतना पावरफुल नहीं हुआ था, उसके पास अपना वेपन जो नहीं था। जब थोर को पता चलता है कि मेलिकेथ ने उसकी मदर को मार डाला है तो वो गुस्से से आग बगोला हो जाता है, इतना गुस्सा कि वो मेलिकेथ से बदला लेकर ही रहेगा। वो सीधा लोकी के पास जाता है और उसे भी बताता है कि मेलिकेथ ने हमारी मदर को मार दिया है, तुम मेरे साथ चलो हम उससे बदला लेंगे। लोकी को भी बहुत गुस्सा आता है और वो एक साथ उधर जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। थोर और लोकी जब वहाँ पर पहुँचते हैं तो देखते हैं कि मेलिकेथ के सामने जेन भी है और वो उसे अपना वेपन निकालने की कोशिश कर रहा है जिससे जेन की जान भी जा सकती थी, तो ये चीज थोर को काफी डरा देती है। लेकिन मेलिकेथ जल्द ही जेन के अंदर से अपना वेपन निकाल लेता है। थोर को बहुत गुस्सा आता है और अपनी थंडर पावर्स का यूज करते हुए उस वेपन को तोड़ने की कोशिश करता है लेकिन ऐसा नहीं कर पाता। मेलिकेथ के पास अब उसका वेपन आ चुका था और वो और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका था। मेलिकेथ अपनी स्पेसशिप लेके वहाँ से चला जाता है और कहता है कि मैं उस दिन यहाँ पर जरूर आऊंगा जब सब किंगडम्स एक साथ इकट्ठे हो जाएंगे। तभी हम देखते हैं कि मेलिकेथ का वही खास साथी लोकी को काफी जख्मी कर देता है। यहाँ पर उसने थोर के लिए कुर्बानी दी होती है, सेक्रीफाइस किया होता है कि मेलिकेथ का ये साथी उसे मार डाले और थोर यहाँ से चला जाए। अब जेन थोर को अपने साथ ले जाती है उसी पोर्टल के पास जिससे वो वापस दुनिया में जा सकते थे। वहाँ पर वो प्रोफेसर और अपनी असिस्टेंट से मिलती है। वहाँ पर प्रोफेसर बताते हैं कि अगर हम बिल्कुल सेंटर में चले जाएं मेलिकेथ को पूरे नौ किंगडम्स पर कब्जा करने से रोक सकते हैं। अब ये सब लोग निकल पड़ते हैं उसी जगह पर जहाँ पर मेलिकेथ आने वाला था, के पास काफी अच्छे और एडवांस वेपन्स भी होते हैं कि मेलिकेथ का मुकाबला करने में कोई कसर बाकी न रहे। जल्दी वहाँ पर मेलिकेथ भी आ जाता है और तभी वहाँ एक और पोर्टल खुल जाता है जिसमें से होते हुए थोर और मेलिकेथ कहीं और आ जाते हैं। लेकिन थोर को तभी आइडिया आता है, वो मेलिकेथ का अपना स्पेसशिप मंगवाता है और मेलिकेथ पर दे मारता है जिससे उसकी डेथ हो जाती है। मेलिकेथ अब नहीं रहा था,
जो बहुत बड़ा बन रहा था वो अब कहाँ गया। ये लड़ाई अब खत्म हो चुकी थी। फिर थोर अपने फादर किंग ऑर्डिन के पास जाता है और उन्हें बताता है कि फादर मैंने मेलेकिथ को मार डाला है। किंग ऑर्डिन कहते हैं थोर अब मैं तुम्हें किंग जरूर बनाऊंगा। थोर कहता है कि नहीं मैं अभी भी आपकी तरह स्ट्रांग नहीं हुआ। तभी हम देखते हैं कि किंग ऑर्डिन की जगह लोकी होता है। इसी के साथ पार्ट 2 यहीं पर खत्म होता है। मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी थोर का पार्ट 3 जिसका नाम है थोर रैग्नारोक। करते हैं मूवी का स्टार्ट। यहाँ पर हमें पता चलता है कि मेलेकिथ के वेपन से एक स्टोन निकाल कर कहीं भिजवा दिया गया था और उसको ढूंढ रहा होता है। ढूंढते ढूंढते वो हेल पहुँच जाता है लेकिन तभी वो वहाँ मिलता है फायर स्कल से। फायर स्कल उसे पकड़ कर उसे लटका देता है और उससे कहता है कि तुमने मुझे क्यों पकड़ रखा है। तो फायर स्कल कहता है तुम मेरे अंदर जलती हुई आग देख रहे हो, ये इटर्नल फायर नहीं है, लेकिन जल्द ही वो दिन आएगा जब मेरे अंदर इटर्नल फायर आ जाएगी, मैं इमॉर्टल हो जाऊंगा। याद रहे मैं हर किंगडम पर कब्जा कर लूंगा। तुम क्या, तुम्हारा कोई किंगडम नहीं बचेगा। तो थोर उसे पूछता है तुम्हें गरूर किस बात का है। तो फायर स्कल कहता है ये मेरे सींग देख रहे हो कितने खूबसूरत है, यही तो मुझे ताकत देते हैं। तो थोर कहता है मैं अपनी ताकत दिखाऊं। इसी के साथ वो अपना हाथ खोलता है और उसके हाथ में उसका प्यारा हैमर आ जाता है। सच में वो हैमर थोर को बहुत प्यारा होता है। थोर अब फ्री हो जाता है और फायर स्कल के सामने जाता है। फायर स्कल अपने बाकी साथियों को भी बुलाता है जो कि फायर से ही बने होते हैं। थोर से लड़ाई करने लगते हैं और इनको बड़ी आसानी से हरा देता है। तभी वहाँ पर एक ड्रैगन आ जाता है जो कि थोर की जान लेना चाह रहा होता है, लेकिन तभी थोर को आइडिया आता है। कहता है कि मेरे अलावा मेरे हैमर को कोई नहीं उठा सकता। उस ड्रैगन के मुंह में अपना हैमर रख देता है ताकि उसके वजन से वो नीचे गिर जाए और ऐसा ही होता है, ड्रैगन नीचे गिर जाता है। फिर थोर भरता है उसे फायर स्कल की तरफ, अपने हैमर का यूज करते हुए उसे भी खत्म कर डालता है और उसका स्कल भी खींच लेता है। थोर उसके सींग यानी उसका स्कल उठा लेता है और ऊपर की तरफ आवाज देता है कि पोर्टल खोल दो यानी बायफ्रॉस्ट ब्रिज का दरवाजा। उसके लिए दरवाजा खोल दिया जाता है लेकिन थोर आकर देखता है कि वहाँ पर पुराना सिक्योरिटी गार्ड नहीं है बल्कि उसकी जगह कोई और है। वहाँ पर वो ड्रैगन भी जो कि थोर के पीछे पड़ा होता है थोर के साथ इस गार्ड के अंदर आ जाता है। तभी वहाँ का दरवाजा बंद हो जाता है, ड्रैगन का मुंह अंदर होता है और बॉडी बाहर, उसके जिस्म के 2 टुकड़े हो जाते हैं। नया सिक्योरिटी गार्ड थोर को बताता है कि उसे लोकी ने रखा है और पुराने सिक्योरिटी गार्ड को भी लोकी नहीं हटाया है। तो थोर कहता है ये क्या बात हुई। अब थोर अपने हैमर के साथ उड़ता हुआ किसी दूसरी जगह पर आ जाता है जहाँ पर किसी टाइप का प्ले हो रहा होता है। वहाँ पर किंग ऑर्डिन बैठे होते हैं और जो उनके सामने कैरेक्टर्स प्ले कर रहे होते हैं वो असली लोकी या थोर नहीं होते। वहाँ पर सब लोग ये तमाशा देख रहे होते हैं। वहाँ लोगों को ये शो करवाया जा रहा था कि थोर नहीं बल्कि लोकी ज्यादा अच्छा है, बहुत ब्रेव और सुपर है। और कोई देख के काफी गुस्सा आता है और जब वो देखता है कि ये किंग ऑर्डिन नहीं है उसे पता चल जाता है कि ये लोकी है, इसने किंग ऑर्डिन की शक्ल ले रखी है। थोर किंग ऑर्डिन के पास जाता है जो कि असल में लोकी होता है और उससे कहता है कि फौरन से अपने असली रूप में आ जाओ, मैं जानता हूँ कि तुम लोकी हो। लेकिन लोकी नहीं मानता। तो थोर कहता है अच्छा तो तुम ऐसे नहीं मानोगे। अपना हैमर दूर फेंकता है तो वो वापस उसके हाथ में आ जाता है और अपना हैमर दोबारा फेंकता है और कहता है कि लोकी फिर तुम अपने असली रूप में वापस ना आए तो ये हैमर इस बार तुम्हारे मुंह पर आकर लगेगा। लोकी डरता हुआ अपने असली रूप में आ जाता है। सब लोग देख के काफी हैरान रह जाते हैं। तभी थोर लोकी की तरफ आगे बढ़ता है और कहता है कि मुझे बताओ मेरे फादर कहाँ हैं, तुम उनका रूप लेके क्यों फिर रहे हो, कहीं तुमने तो उन्हें कहीं छुपा कर नहीं रखा। तो लोकी कहता है थोर मुझे नहीं पता वो कहाँ है लेकिन हम मिल के उन्हें ढूंढ सकते हैं। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वो दोनों किसी सिटी में आ जाते हैं, ये प्रेजेंट वर्ल्ड होती है। वहीं जमीन पर एक पोर्टल खुलता है तो लोकी उसके अंदर चला जाता है और थोर को वहाँ जमीन पर पड़ी हुई एक चिट मिलती है जिस पर कोई एड्रेस लिखा होता है। थोर उसी को फॉलो करने लगता है। थोर जब वहाँ पर पहुँचता है तो देखता है कि वहाँ पर तो डॉक्टर स्ट्रेंज है। थोर उनसे अपने फादर के बारे में पूछता है तो डॉक्टर स्ट्रेंज कहते हैं कि हाँ मैं जानता हूँ वो कहाँ पर है। तभी वहाँ पर डॉक्टर स्ट्रेंज एक पोर्टल ओपन कर देते हैं जिसमें से लोकी गिरता है। वो इन दोनों को यानी थोर और लोकी को एक जगह पर भेज देते हैं जहाँ पर वाकई में किंग ऑर्डिन होते हैं। जब किंग ऑर्डिन अपने बेटों को देखते हैं तो कहते हैं कि बस मैं अब मरने वाला हूँ, मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं रहा। तो थोर अपने फादर से कहता है आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं, क्या आपको पता है मैंने फायर स्कल को भी मार दिया है जो कि बातें कर रहा था कि वो रैग्नारोक बनेगा। तो किंग ऑर्डिन कहते हैं कि थोर तुमने उसे मार दिया लेकिन क्या उसने तुम्हें ये नहीं बताया कि जब उसे इटर्नल फायर मिलेगी तो वो जिंदा होकर वापस आएगा और इसके लिए हमें होशियार रहना होगा। किंग ऑर्डिन ये भी कहते हैं मैं तुम्हें एक और लड़की के बारे में बताता हूँ जो कि शैतानी ताकतें रखती है और उसका नाम है हेला। वो हेल से है, मैंने उसे कैद किया हुआ था लेकिन अब मेरे मरने का वक्त आ चुका है और वो मेरी कैद से आजाद हो जाएगी, तुम लोगों को उससे भी बचना होगा। इसी के साथ किंग ऑर्डिन गोल्डन डस्ट में बदल जाते हैं। वहाँ से दूर
कहीं चले जाते हैं। यानी अब किंग गॉर्डन भी नहीं रहे थे और इन दोनों को ही हेला से अकेले लड़ना था। और तभी वहाँ पर हेला आ जाती है जिसने ब्लैक ड्रेसिंग कर रखी होती है। वाकई उसका नाम उसकी पर्सनैलिटी के साथ काफी सूट कर रहा था। वो थोर और लोकी से कहती है मेरे आगे छुप जाओ, तो लोकी कहता है हर किस नहीं, और थोर अपना हथौड़ा यानी हैमर उस चुड़ैल की तरफ फेंकता है, लेकिन हेला उसे फौरन से टुकड़े टुकड़े कर देती है। यानी उसमें इतनी खतरनाक पावर्स होती हैं। अब लोकी और थोर स्कार्ट वापस जाने लगते हैं, लेकिन उनके पीछे पीछे हेला भी आ जाती है और उन दोनों को पुश करते हुए उस रास्ते से हटा देती है। अब हेला खुद स्कार्ट के अंदर पहुंच चुकी थी। वहां पर उसे वही नया सिक्योरिटी गार्ड दिखाई देता है और उसके साथ दो लोग और भी होते हैं जिसे हेला फौरन से मार डालती है क्योंकि वो उसके आगे झुके नहीं थे। अब वो सीधा बढ़ने लगती है उसी नए सिक्योरिटी गार्ड की तरफ, तो वो हेला से कहता है मुझे मत मारे, मैं आपके सामने झुकता हूँ, मैं आपकी हर बात मानूंगा। तो हेला कहती है वाह, तुम्हें तो अपनी अकल का इस्तेमाल करना अच्छे से आता है, मुझे खुशी हुई कि तुम मेरे सामने झुके, तुम्हें इसका फायदा भी होने वाला है वरना तुम मारे जाते। दूसरी तरफ हम थोर को देखते हैं जो कि हेला के पुश करने की वजह से किसी और प्लेनेट में जाकर गिरता है। वहां पर काफी ज्यादा स्क्रैप पड़ा होता है और तभी वहां पर एक स्पेसशिप आती है और उसमें से ढेर सारे एलियंस बाहर आते हैं। वो एलियंस आकर थोर पर अटैक करने लगते हैं, लेकिन थोर भी उनसे बराबर लड़ रहा होता है। वो उनसे हाथों से ही फाइट कर रहा था क्योंकि जाहिर है उसके पास उसका हैमर जो नहीं था। लेकिन तभी उन एलियंस में से एक एलियन उसके ऊपर काफी मजबूत नेट डाल देता है। तभी वहां पर एक और स्पेसशिप आती है जिसमें से एक लड़की बाहर आती है और उन सब एलियंस को मार देती है। वो थोर को अपने साथ ले जाती है। अब वो लड़की थोर को इसी प्लेनेट के ग्रैंड मास्टर के पास लेकर आती है जो कि यहाँ रूल किया करता। वो थोर को एक कुर्सी के साथ बांध देते हैं। जो लड़की थोर को ग्रैंड मास्टर के पास लेकर आई होती है उसका नाम उल्कारी होता है। उसे ऐसा करने के पैसे मिलते हैं। वहाँ पे ग्रैंड मास्टर थोर को बताता है कि मैंने यहाँ पर तुम्हें इसलिए बुलाया क्योंकि मैं रेसलिंग कॉम्पिटिशन करवाता हूँ और मुझे तुम्हें देखने से लग रहा है कि तुम काफी स्ट्रांग हो, काफी ताकत है तुम में, तो तुम्हें मेरे लिए लड़ना होगा। तो थोर कहता है नो, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं, मुझे बस अपने किंगडम वापस जाना है, मुझे छोड़ दो तुम। तो ग्रैंड मास्टर कहता है तुम्हें छोड़ दूं। तभी थोर की नजर पड़ती है लोकी पर जो वहाँ पर ही होता है। तो थोर ग्रैंड मास्टर से कहता है कि ये देखें मेरा भाई भी यहाँ पर है, आप इसे क्यों नहीं उस कॉन्टेस्ट में रख लेते, ये भी काफी स्ट्रॉन्ग बनता है। तो लोकी कहता है नहीं नहीं मैं इसका भाई नहीं हूँ, ये झूठ बोल रहा है। तो ग्रैंड मास्टर कहता है जो भी है मुझे इससे कोई कंसर्न नहीं, थोर मुझे तुम से मतलब है क्योंकि मैं जानता हूँ तुम गॉड ऑफ थंडर हो। थोर फिर भी मना कर रहा होता है। तो ग्रैंड मास्टर कहता है अच्छा चलो सुनो, अगर तुम मेरे लिए कॉन्टेस्ट लड़ते हो और इसमें जीत जाते हो तो मैं तुम्हें एक बिल्कुल नई स्पेसशिप दूंगा जिसमें तुम स्कार्ट वापस जा सकोगे। तो थोर कहता है ओके ठीक है। थोर को एक कमरे में भेज दिया जाता है जहाँ पर एक रॉक मैन होता है। रॉक मैन थोर को बताता है कि जिससे तुम्हारी लड़ाई होने वाली है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, उससे आज तक कोई भी नहीं हरा पाया, इसलिए अपने वेपन जरा आराम से चूज करना जो उसको हरा भी सके। तो थोर कहता है यार मैं तुम्हें क्या बताऊँ, मेरे पास अपना एक पर्सनल हैमर था जिससे मुझे बहुत ताकत मिलती थी, अगर वो आज मेरे पास होता ना तो मैं उसको चुटकियों में हरा देता। वो दिन आ जाता है जब थोर का रेसलिंग कॉम्पिटिशन होता है। थोर के बाल भी काटे जाते हैं और उसे एक नया ड्रेस पहनाया जाता है। दूसरी तरफ हम हेला को देखते हैं जो कि पूरे इस कार्ट में तमाशा क्रिएट कर रही होती है। वो सब लोगों से फोर्सफुली कह रही होती है मेरे आगे झुक जाओ, लेकिन कोई भी उसके आगे नहीं झुक रहा होता। तभी उन लोगों में से थोर का फ्रेंड बाहर आता है और कहता है तुम खुद को समझती क्या हो, तुम हम पर रूल नहीं कर सकती हो। यहाँ पर थोर के दोस्त की टीम और हेला में लड़ाई होने लगती है जिसमें हेला जीत जाती है और वो वही ओके बाद सिक्योरिटी गार्ड को अपने साथ लेकर आती है जो उसके आगे झुक गया था। वो वहाँ पर उसे एक पिक्चर दिखाती है और कहती है ये नौ किंगडम्स हुआ करते थे, ओडिन और मैं यहाँ एक साथ अटैक करने आए, लेकिन ओडिन ने मुझे कैद कर लिया और खुद यहाँ पर कब्जा करके किंग बन गया। वो लोग वहाँ से पहुँचते हैं उस चैम्बर में जहाँ पर तरह तरह के वेपन्स और यूनिक चीजें होती है। वहाँ हम कॉस्मिक क्यूब भी देखते हैं और साथ ही साथ इटर्नल फायर भी, जिसे देख के हेला बहुत खुश होती है और उसमें से थोड़ी सी फायर लेके क्वीन को तोड़ते हुए उसके अंदर चली जाती है। वो उस जगह पर गई होती है जहाँ पर उसके साथियों को मार दिया गया था। वो साग को चारों तरफ फैला देती है और वहाँ पर सब मरे हुए लोग जिंदा होने लगते हैं। साथ ही साथ उसका एनिमल पेट भी जो कि एक ब्लैक वुल्फ होता है, वो काफी जायंट और खतरनाक दिख रहा होता है। अब हेला उसे धोखेबाज सिक्योरिटी गार्ड को अपना साथी बना लेती है और सीधा बायफ्रॉस्ट ब्रिज की तरफ जाती है। उन्हें पता चलता है कि यहाँ पे वो सूर्य तो है ही नहीं जिससे दरवाजा खोलता है, और उसे पता है कौन ले गया था जिसकी ये तलवार थी। जी हाँ, वही पुराना सिक्योरिटी गार्ड। वो अपने साथ बाकी बचे हुए स्कॉर्पियंस को भी ले गया था क्योंकि वो जानता था कि इन लोगों को हेला से खतरा होने वाला है। फिर हम वो सीन देखते हैं जब थोर की लड़ाई शुरू हो
होने वाली होती है, लेकिन उससे पहले वो वल्कैरी से मिलता है। उसके हाथ पर देखता है कि कोई निशान है, और ऐसा निशान तो एस्गार्डियन के फाइटर्स के हाथ पर होता है। और उसे कहता है कि तुम तो अपनी बंदी हो, तुम मुझे इस तरह से यहाँ पर क्यों लाई। उसे समझ आ जाता है कि वल्कैरी ने ये सब पैसों की खातिर किया। उसकी बातों को इग्नोर करते हुए वहाँ से चली जाती है और उसको बचाने के लिए कोई बात नहीं करती। अब लड़ाई शुरू हो जाती है। थोर देखता है कि उसके ऑपोजिट कोई और नहीं बल्कि हल्क है, तो वो खुशी से चिल्लाता है, वाह हल्क तुम, क्योंकि थोर और हल्क की काफी अच्छी अंडरस्टैंडिंग और दोस्ती होती है। लेकिन यहाँ पर हल्क उसे पहचानता ही नहीं। वक्त के साथ सब बदल जाता है। उन दोनों में बहुत ज्यादा फाइट होने लगती है। हल्क काफी जाइंट होने की वजह से थोर को बहुत ज्यादा पंचेस मार रहा होता है, क्योंकि थोर के पास न उसका हैमर होता है न उसकी पावर्स, तो वो काफी हारने लगता है। काफी चोटें भी लगने लगती है। तभी वो बेहोश होने वाला होता है, तो उसे उसके फादर यानी किंग ऑडिन का विजन आता है और उसकी पावर्स वापस आने लगती हैं। थोर भी अब उठ के हल्क को मारने लगता है, लेकिन ग्रैंड मास्टर ये देख के खुश नहीं होता। वो थोर को एक इलेक्ट्रिकल शॉक देता है, क्योंकि वो नहीं चाहता था वो हल्क को हरा दे, क्योंकि हल्क सालों से जीतता आ रहा था। अब हम देखते हैं कि थोर बेहोश होने के बाद जब उठता है तो देखता है कि वो हल्क के कमरे में ही है। वो हल्क से कहता है कि तुम यहाँ कैसे आए। हल्क उसे बताता है जेट प्लेन के थ्रू। थोर भी वहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन इलेक्ट्रिकल फील्ड्स लगे होने की वजह से वो नहीं निकल पाता। तभी थोर दोबारा आंखें बंद करता है, तो उसे विजन में वही पुराना सिक्योरिटी गार्ड आता है, जो उसे अपने साथ ले जाता है और दिखाता है कि देखो एस्गार्ड की हालत कितनी खराब है, हेला ने हर तरफ तबाही मचा दी है, हमें तुम्हारी जरूरत है, तुम्हें वापस लौटना होगा। अब जब थोर अपनी आंखें खोलता है तो देखता है वो हल्क के रूम में ही है। वो वहाँ से बाहर जाने की दोबारा से कोशिश करने लगता है और वल्कैरी से भी कहता है, लेकिन वो उसे कुछ नहीं बताती। तो थोर खुद ही विंडो से जंप करता हुआ नीचे आ जाता है और जेट प्लेन की तरफ भागने की कोशिश करता है। वो प्लेन के पास पहुंच ही जाता है, लेकिन तभी पीछे पीछे हल्क भी आ जाता है जो कि उसे पकड़ने आ रहा। लेकिन थोर वहां पर एक वीडियो प्ले करता है, तो हल्क वो वीडियो देखकर इंसान बन जाता है यानी ब्रूस। उधर ग्रैंड मास्टर को ये लग रहा होता है कि थोर उनके सबसे खास क्रिएचर को पकड़ के अपने साथ ले गए फायदे के लिए। तो वल्करी और लोकी से कहते हैं कि थोर को मेरे पास पकड़ कर लाओ, चाहे उसे जिंदा लेकर आओ या मार कर लेकर आओ। अब लोकी और वल्करी बाहर आते हैं, लेकिन लोकी उस लड़की को बताता है कि मैं और थोर असली भाई हैं और मैं उसे मरने नहीं दे सकता। ये दोनों भी एक टीम बन जाते हैं और थोर के पास जाते हैं। अब थोर, ब्रूस, वल्करी, लोकी और साथ कुछ और लोग से ग्रैंड मास्टर का स्पेसशिप चुराते हैं और एस्गार्ड के लिए निकल पड़ते हैं। दूसरी तरफ हम हेला को देखते हैं जो कि एस्गार्डियंस को तंग कर रही होती है और उन्हें जान से मारने की धमकी दे रही होती है। उन सब लोगों से पूछती है कि मुझे बताओ वो स्वर्ड कहाँ पर है, वो सिक्योरिटी गार्ड उसे कहाँ लेकर गया। तो तभी उनमें से एक आदमी बाहर आता है और कहता है कि हम लोगों को मत मारो, मैं तुम्हें बता देता। तो हेला उस लोकेशन पर पहुंच जाती है, वहाँ वो सिक्योरिटी गार्ड भी होता है जिसके पीछे वो आई होती है। लेकिन तभी वहाँ पर थोर का स्पेसशिप भी आ जाता है। वल्करी कहती है कि मैं हेला से लड़ूंगी, लेकिन तभी हम देखते हैं कि सामने से वही ब्लैक वुल्फ आ रहा होता है जो कि उन पर हमला करने वाला था। तो ब्रूस कहता है इसे मैं देख लूंगा, ऐसे नीचे जंप करता है तो गिर जाता है क्योंकि वो हल्क नहीं बना होता, और वुल्फ उसे क्रॉस करता हुआ आगे बढ़ने लगता है। लेकिन जल्द ही पीछे से ब्रूस हल्क में बदल जाता है और उस ब्लैक वुल्फ से लड़ने लगता है। दूसरी तरफ लोकी भी एक स्पेसशिप ले आया होता है, वो सारे एस्गार्डियन से कहता है कि आप सब इसके अंदर चले जाएं ताकि आप सेफ रहें। तभी हम उस थोर के पास सिक्योरिटी गार्ड को देखते हैं जो कि हेला के साथ मिल गया था, लेकिन अब वो हेला के खिलाफ हो जाता है। जब देखता है कि एस्गार्डियंस कितने इनोसेंट है और थोर कितनी मेहनत कर रहा है, वो हेला से ही लड़ने लगता है। लेकिन हम देखते हैं कि हेला थोर का गला दबा देती है और उससे काफी लड़ाई करती है। थोर यहाँ कमजोर पड़ रहा होता है क्योंकि उसके पास उसका हैमर नहीं होता और हेला काफी स्ट्रॉन्ग होती है। लेकिन तभी उसे एक विजन आता है जिसमें उसे अपने फादर दिखाई देते हैं और तभी उसमें थंडर की पावर्स आ जाती हैं और वो काफी ज्यादा ताकतवर हो जाता है। बाहर आकर उस ब्रिज पे जोरदार पंच मारता है कि डिस्ट्रॉय हो जाए, कि सब कुछ यहीं खत्म हो जाए। लेकिन तभी उसे याद आता है कि उसके फादर ने कहा था फायर स्कल लौट कर आएगा। तो वो लोकी से कहता है जब तक फायर स्कल यहाँ नहीं आएगा ये सब खत्म नहीं हो सकेगा, तो फौरन से उसे इटर्नल फायर देकर यहाँ पर लाओ। अब लोकी जाता है और उसके स्केलेटन को इटर्नल फायर में रख देता है, जिससे फायर स्कल दोबारा से जिंदा हो जाता है। वो यहाँ पर आ चुका होता है और हेला उसे देख के काफी डरने लगती है। वो आते ही अपनी तलवार एस्गार्ड के अंदर घुसा देता है, जिससे हेला भी मारी जाती है और इसकी वजह से एस्गार्ड भी डिस्ट्रॉय हो चुका होता है और हर तरफ आग लग जाती है। हम थोर को देखते हैं जो कि स्पेसशिप में एस्गार्डियंस और अपनी टीम के साथ होता है। वो कहता है कि अब हम सेफली जमीन पर रहेंगे, तो एस्गार्डियन उसे कहते हैं कि आप हमारे किंग हैं। यहाँ पर थोर फाइनली एस्गार्डियंस का किंग बन जाता है, जिसके साथ ये मूवी यहीं पर एंड होती है। थोर के तीनों पार्ट्स कंप्लीट होते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।